जी मोहम्मद सईद साहब, सलाम जी अर्ज है और बहुत बेचैनी से इंतजार रहता है इस प्रोग्राम का। मैं तो चाहता हूँ कि हफ्ते में एक से ज्यादा दफा हो। मेरा सवाल ये था कि बुखारी किताबुल अंबिया में आता है कि ऐफा अंतुम एजा नाजा लबनो मरिया मा फीकुम, कि ऐ मुसलमानों तुम्हारी कैसी खुशकिस्मती होगी कि जब तुम में इब्ने मरियम नजूल फरमा होंगे। लफ्ज नजूल के बारे में लोग यही कहते हैं, हम जब बात करते हैं उनसे, कि ऊपर से ही नाजल होना होता है। जी। और दूसरा कि जो मैंने एक दो आलम को सुना है वो ये कहते हैं कि अहमदियों से वफात मसीह पे कोई बात ना की जाए, इस बारे में कुछ बताए मुझे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। जी मोमिन साहब, मोमिन जाहिद साहब, आप इसका जवाब दे दें। इसके बारे में नज़ूल का जो लफ्ज़ है ये एक ऐसा आम लफ्ज़ है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो ये भी लिखा है कि नज़ूल का लफ्ज़ जब एक शख्स किसी एक जगह से चल के किसी दूसरी जगह जाकर उतरे या ठहरे तो उसको उर्दू में भी यही कहते हैं कि वो फ़लाँ जगह पर उतरा है या लश्कर ने फ़लाँ जगह पर डेरा लगा लिया। और यही बैने यही लफ्ज़ नज़ूल का जब अरबी ज़बान में इसी माने में इस्तेमाल हो तो उसका यही मतलब होता है, जैसा कि हदीस में भी आता है। मिसाल के तौर पर एक हदीस में ज़िक्र मिलता है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ला तहत शजरते, कि आप एक दरख्त के नीचे उतरे। गोया मुराद ये थी कि सफ़र के बाद उस दरख्त के साथ आपने डेरा लगाया, वहाँ पर क़याम किया। इसी तरह ये नज़ूल का लफ्ज़ आम है, इससे आसमान से ये चीज़ का उतरना मुराद नहीं होता। कुरान करीम की आयात ही इसका कतई तौर पर फ़ैसला कर देती हैं। जैसा कि कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने को भी नुज़ूल के लफ्ज़ के साथ बयान किया गया है। खुदा ताला फरमाता है कद अनज़ला इलैकुम ज़िक्र रसूला, कि तुम्हारे दरमियान अब खुदा ताला ने ये ज़िक्र यानी रसूल को नाजिल कर दिया। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर रहमत इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, इसको भी नुज़ूल के लफ्ज़ के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया। इसी तरह कुरान मजीद में इससे भी ज़्यादा ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनसे इस लफ्ज़ के जिससे इस लफ्ज़ के मानी का फ़ैसला हो जाता है। अब कुरान में आता है अनज़ला लकुम मिनल अनआम, कि खुदा ताला ने तुम्हारे लिए चौपाए नाजिल किए। अब चौपाए आसमान से तो नहीं नाजिल हुए थे, इसी दुनिया में ही पैदा हुए थे। इसी तरह लोहे के बारे में अनज़लनल हदीदा कुरान मजीद में आता है कि लोहे को नाजिल किया। अब लोहा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आसमान से नाजिल हुआ। लिहाजा नज़ूल का लफ्ज़ जो है इसके साथ आसमान का लफ्ज़ ख़ुद ब खुद लगा कर धोखा दिया जाता है और अवामुन्नास को ये तासुर दिया जाता है कि गोया नज़ूल का लफ्ज़ जो अहादीस में है उससे मुराद ये है कि आसमान से उतरना था, जबकि साथ आसमान का लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ नज़ूल का लफ्ज़ है जो एक आम लफ्ज़ है। जी ठीक है, इस बारे में एक और आयत भी है। जी ठीक है, हम बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाने वाले, लेकिन उससे पहले एक और आयत भी है जिससे पता लगता है कि सिर्फ चौपाए या लिबास, जैसे कुरान ने लिबास का भी जिक्र किया, हमने लिबास भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरी आयात जो जिक्र करते हैं अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नेमतों का, वो सिर्फ वही नहीं नाजिल हुई। जी अल्लाह ताला तो कहते हैं कि हम हर चीज़ नाजिल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में मिन शैन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, कि कोई भी चीज़ जो है उसके हमारे पास खज़ाइन हैं और हम उसको नहीं उतारते मगर एक थोड़ी मुअय्यन मिक़दार के मुताबिक। ठीक है, तो हर चीज़ अल्लाह ताला नाजिल करता है। जी जो अल्लाह ताला से तरफ से नाजिल होती है वो उसकी बरकत की तरफ इशारा है, अल्लाह ताला के हुक्म से नाजिल होती है इसकी तरफ इशारा है। दूसरी बात, मैं फिर उसी बात की तरफ आऊँगा। बात यह है कि इस बात को अगर अच्छी तरह पकड़ लें दोस्त हमारे, तो ये मसला बिल्कुल नज़ूल का हल हो जाता है। जैसे मैंने अभी ईसाई बहन को जवाब दिया कि ये केस ईसा अलैहिस्सलाम की अदालत में हो चुका है, बिल्कुल ठीक फैसला हो चुका है, उन्होंने नुज़ूल का इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा ये यहया जो ज़करिया का बेटा है ये नाजिल हो चुका है, तुमने इसको पहचाना नहीं, लेकिन उन्होंने आसमान से किसी के नाजिल होने का इनकार किया। बिल्कुल ठीक है, तो नाजिल होना अंबिया की इस्तिलाह है, वो अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होते हैं, गोया अल्लाह ताला उनको आसमान से नाजिल करता है, लेकिन आसमान से कोई इस जसद के साथ कभी नहीं आता, यह मसीह अलैहिस्सलाम का भी फैसला। बिल्कुल ठीक है, और जिनका ये इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से हम नाजरीन